और प्रयागराज से एक और बड़ी खबर मिल रही है, आरओ पेपर लीक से जुड़ी हुई है बड़ी खबर है। एसटीएफ ने बिशप गर्ल्स कॉलेज में जांच पड़ताल की है। पेपर लीक वाले दिन के सीसीटीवी खंगाले हैं और 11 फरवरी को ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों से पूछताछ की गई है। 11 फरवरी को लीक हुआ था आरओ पेपर। गिरफ्तार राजीव नैन समेत 16 के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर एसटीएफ आगे की कार्रवाई में जुट गई है। डीआईओएस और बिशप जॉनसन गर्ल्स कॉलेज की तत्कालीन प्रिंसिपल का बयान भी एसटीएफ को अभी दर्ज करना है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी गुफरान लगातार बने हुए हैं। गुफरान, एसटीएफ ने बिशप गर्ल्स कॉलेज में जाकर छानबीन की है, सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले हैं। बिल्कुल, देखिए जो पूरा प्रकरण है, जो आरओ की जो भर्ती पेपर था वो 11 फरवरी को इसी बिशप कॉलेज से जो है वो लीक हुआ था। इस लिहाज से एसटीएफ जो है आरोपियों के खिलाफ पहले चार्जशीट दाखिल की है और अब आगे इस पूरे घटनाक्रम में इस पेपर लीक मामले में जो लोग और संलिप्त हैं उनके खिलाफ जो गहनता से जांच है वो एसटीएफ की तरफ से की जा रही है। इसी कड़ी में एसटीएफ ने कॉलेज पहुंच करके वहां के सीसीटीवी के जो फुटेज हैं वो खंगाले हैं। 11 फरवरी को किन लोगों की तैनाती थी कॉलेज में, कौन कौन लोग थे, कितने बजे से कितने बजे तक उनके रजिस्टर में नाम अंकित है, इस तरीके की तमाम चीजें जो है वो उसको गहनता से पड़ताल कर रही है एसटीएफ की टीमें। कई अहम जो साक्ष्य हैं वो भी एसटीएफ को हाथ लगे हैं और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो अन्य अभियुक्त हैं उनके खिलाफ भी इस पूरे मामले में जो शिकंजा है वो कसेगा और इनके खिलाफ भी कोर्ट में जो चार्जशीट है वो फाइल की जाएगी। चलिए, शुक्रिया आपका गुफरान जानकारी के लिए।